असला my dear students. Today we will discuss about the vertebral column. आज हम एक्सिल्टन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड एक्जिल्स केल्टन के अंदर एक तो है स्कल दूसरा है वर्टेबल कॉलम तीसरा है cage. एंड फोर्थ वन इज अटनम जिसे हम कहते हैं सीने की हड्डी स्कल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था मेडअप ऑफ टू पार्टर ब्रेन एंड फेशियल बोन्स वो होती है जो आपके फेस पे होती है तो स्कल का पहले से हम डिस्कस कर चुके हुए हैं जिसका लिंक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वहां पे आप स्कल के बारे में सारा नॉलेज ले सकते हो तो एक्सिल स्कैल्टन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्टेबल कॉलम के बारे में

पेल्विस रीजन तक तो वर्टिबल कॉलम बेसिकली कनेक्ट कर रहा है दो हिस्सों को जो आपका स्कल है और पीछे आपकी जो हिप बोन है इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है वर्टिबल कॉलम के क्या रोल है और देखा जाए तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन का भी दे रहा है प्रोटेक्शन किस हिस्से को दे रहा है तो वो स्पाइनल कॉर्ड है अब कह सकते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव है कि इसको इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे वर्टिबल कॉलम अपना रोल प्ले कर रहा है तो वर्टिबल कॉलम के जितने भी वर्टिब्रा है वो बेसिकली इस तरह से इंक्लोज हुए हुए इनके अंदर एक होलो ट्यूब लाइक एरिया है जो जिसके अंदर हमारे स्पाइनल कोड रन कर रही है तो तो ये वर्टीब्रा एक दूसरे के साथ ज्वाइन है और ज्वाइन होने के बाद ये हम एक होलो स्पेस आ, सेंटर में दे रहे हैं जो प्र, हमें स्पाइनल कोड की प्रोटेक्शन करने में हमें हेल्प आउट कर रहा है तो इस तरह से आपको वर्टीब्रा इजिली नजर आ रहे हैं अगर हम यहाँ से स्टर्नम को रिमूव कर लेते हैं ठीक है अब हम बहुत इजीली इसको देख सकते हैं हम इज सी ओवर देयर द वर्टिब्रास के अलावा वर्टेबल कॉलम जो है हमारा स्ट्रेट होता है क्या नहीं बिल्कुल ये स्ट्रेट नहीं होता ये थोड़ा सा कर्वी लाइक होता है अब कर्व्स होने की क्या रीजन होती है बेटा कर्व होने की वजह से क्या होता है कि जो लोग डांस करते हैं ना जो मूव करते हैं उनके लिए मूव करना डांस करना थोड़ा इजी होता है इससे ये होता है बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है हमारी बॉडी को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बॉडी को ज़्यादा बैलेंस मिलता है इक्विलिब्रियम मिलता है तो थोड़ा सा कर्वी होने की वजह से हम इजीली मूव कर सकते हैं अगर वर्टिबल कॉलम बिल्कुल स्ट्रेट होता ना जिसमें अगर वर्टिबल कॉलम जितने भी वर्टिग्राम बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए होते फ्यूज होते और वो इस तरह से मूव ना कर सकते लाइक जिस तरह से हमारे वर्टिबल कॉलम ईजिली वर्टिग्रा मूव कर सकते हैं अगर वो बिल्कुल जुड़े हुए होते तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी ईजिली मूव ना कर पाती हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सीबिल

बोन्स होगी उसके बाद येलो कलर का पार्ट इसे लंबर रीजन इसमें टोटल पांच होंगी लास्ट पार्ट जो है इसे पेल्विस रीजन कहते हैं इसके अंदर इसके आगे फर्दर दो पार्ट्स होते हैं जिसे हम सेक्रम और कॉक्सिक्स बोलते हैं इसको हम डिटेल में बाद में हम डिस्कस करेंगे अब चल सो यू कैन सी ओवर देयर वर्टेबल कॉलम हमें बिल्कुल स्ट्रेट नजर नहीं आ रहा ये थोड़ा सा कर्वी है कर्वी नेचर की वजह से क्या हो सकता है कि हमारी बॉडी ईजिली मूव कर सकती है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है पहला पार्ट जो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ना यहाँ पे ये यह ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये हमारा नेक रीजन बनाता है और नेक रीजन जो है उसे हम बोलते हैं कि सर्विकल रीजन है तो बेटा पहली बोन जो हमारे सर्विकल रीजन में है उसको हम बोलते हैं एटलस क्या बोलते हैं एटलस नंबर टू जो है उसे हम बोलेंगे एक्सेस और सो ऑन वर्टेबल कॉलम की बोन्स को यहाँ पे काउंट भी करवा दिखा सकती हूँ आपके दे आर द फर्स्ट बोन प्रेजेंट ऑन इन योर सर्विकल रीजन जो पहली हड्डी पहली बोन आपकी गर्दन में है उसको हम कहते हैं एटलस इसका नेम याद करना है क्योंकि ये ना एमसी क्यूज में आ जाता होता है उसके बाद बच्चे आता है यहाँ पे एक्सेस जो आपकी सेकंड सर्विकल है इसको हम सी भी कह सकते हैं सी वन इजी है उसके बाद आ रहा है यहाँ पे थर्ड सर्विकल है फोर है उसके बाद फाइव है तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं है, सर्विकल रीजन की पहली दो बोन्स के नेम याद करना इंपॉर्टेंट है, है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे एटलस और आपको एक्सिसल में एमडी कैट में में मेडिकल में, किसी भी सिलेबस में है तो आपको उनका नाम आना चाहिए एटलस एक्सिस पहली दो बोन्स है उसके बाद सिक्स और सेवन ग्रीन पार्ट हमारा एंड हो गया इसका मतलब है कि सर्विकल रीजन क्या हुआ खत्म हुआ तो थोरेसिक रीजन इसको भी आप काउंट कर सकते हो टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टिल्थ तो ये लास्ट मेरे पास कौन सी है ट्वेल्थ थोरेसिक बोन नेक्स्ट पास लंबर स्टार्ट हो रहा तरस तरस लंबर को हम है इस और सेक्रम के बाद हम देख सकते हैं जो सी बोन है, वो कॉक्सिक्स है तो ये हमारी टेल बोन्स भी होती हैं और ये पेल्विस रीजन बनाती है सारे रीजन को अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना पहला रीजन जो हमारे वर्टिबल कॉलम का है जिसका नाम है हमारे पास सर्विकल रीजन पे सर्विकल वटिब्रा के बारे में सर्विकल हमारा गर्दन का एरिया बनाता है नेक का एरिया बनाता है आप सब भी अपने नेक को देख सकते हो जिसको आप इजीली आर्टिकुलेट कर सकते हो मूव कर सकते हो लेफ्ट एंड राइट इजीली बेट देख सकते हो ऊपर और नीचे इजीली देख सकते हो और इसी सो so, एटलस एक्सेस वर्टिब्रा के अगर हम देखें इसे हम जो फर्स्ट आपका है सर्विकल uh, रीजन में सी वन सी टू कहा जा रहा है सी वन सर्विकल वन सी टू सर्विकल टू तो सी वन एंड सी टू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आ जाता है क्वेश्चन भी आ जाता है कि सी वन और सी टू जो है वो क्या है और एटलस और एक्सेस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए बहुत से एनिमल्स को देखें जिनके जो सर्विकल रीजन है उनके पहले दो वर्टिब्रा बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं जैसे मैंने यहाँ पे कुछ रेप्टाइल शो किया हुआ है जैसे लिजर्ट कहते हैं तो लिजर्ट बहुत क्विकली और बहुत फास्टली देख सकती है कि मेरे आगे पीछे मेरे कितने एनिमल्स हैं जो मुझ पर अटैक कर सकते हैं अपने प्रीडेटर के बारे में वो नॉलेज रख सकती है अपने प्रे को देख सकती है जिसपे उसने अटैक करना है तो इतनी इजिली सो so, हम अब बात करेंगे दोबारा ह्यूमन पे जम्प करेंगे ह्यूमन का पहला सर्विकल रीजन तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया तो हम सर्विकल रीजन को थोड़ा सा ओवरव्यू भी कर लेते हैं ताकि हम the yellow part you can see over there the yellow part that is atlas so atlas is a first uh, cervical vertebra uh, that help in a uh, movement of your skull the second one is known as c2 then a cervical two axis so each one is your axis and the third vertebra अः इसको आप इसका कोई नेम नहीं आपको ज्यादातर एफ के बुक्स में या बायोलॉजी के बुक्स में बच्चों को बताया जाता है बस ये बोल देते हैं कि थर्ड सर्विकल है या C3 थ्री कह दें यहाँ पे इसी तरह से फोर फोर्थ सर्विकल है ये फिफ्थ सर्विकल है ये फिफ्थ के okay. बाद है यहाँ पे लास्ट वन सेवन तो सेवन सर्विकल के बाद आपका सर्विकल रीजन ऑफ योर वर्टिब्रा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका जो नेक्स्ट रीजन स्टार्ट होने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे थोरेसिस रीजन तो यहाँ पे आप बहुत ईजीली देख सकते हैं दिस वन इज योर थोरेसिस रीजन नंबर टू इज योर सेकेंड थोरेसिक वर्टिब्रा एंड यू कैन सी ओवर देयर द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रा इन योर vertebral column third and this one is your fourth vertical thoracic vertebra and fifth and so on till 12 there are 12 vertebrae in your thoracic region these vertebra are very important because they play very important role in uh, attachment of your ribs because these vertebrae help your ribs to attach with your uh, vertebral column so you can see over there the how the ribs are get attached with your vertebral column these are they, they basically provide the site of attachment of your ribs uh, to the vertebral column एंड फाइव इज अ लंबर रीजन एंड नाइन इन अलविस्ट रीजन यहाँ पे जो नाइन आपको सेक्रम एंड कॉक्सिक्स नजर आ रही है ये नाइन है अब बहुत से बच्चों को सैक्रम एंड कॉक्सिक्स पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है टू मार्क्स का वर्टिपल कॉलम पे भी क्वेश्चन आ जाता है की हाउ मेनी वर्टिब्रा प्रेजेंट इन योर वर्टिपल कॉलम देर आर टोटल थर्टी थ्री वर्टिब्रा सो सैक्रम और कॉक्सिक्स के बारे में थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करती जाऊंगी लास्ट रीजन ऑफ यर्टेबल कॉलम ओवर दर द प्रेजेंस ऑफ द वर्टेबल कॉलम इन योर बॉडी द ग्रीन पार्ट बेसिकली सारा आपका वर्टेबल कॉलम है जो आपके स्कल से शुरू हो रहा है और आपके पेल्विस रीजन तक एंड हो रहा है तो इसमें टोटल कितने वर्टेबरा है थर्टी जिसे रेड कलर का सर्कल बेसिकली शो कर रहा है पेलविस रीजन को अगर हम पेलविस रीजन को थोड़ा zoom out करके देखते हैं तो इसके अंदर दो हिस्से हमें नजर आते हैं ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं सैक्रम क्या बोलेंगे सैक्रम नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे हम ऑक्सेक्सम में टोटल पांच बोन्स होती हैं फाइव बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है अगर हम यहाँ पे देखें इसे कहते हैं नंबर वन बोन नंबर टू बोन थ्री बोन फोर बोन या फाइव बोन अगर आप इसको देखें क्लियर करें तो आपको गए मैं समय ये क्लियरली बोन नजर नहीं आ रही है इस वजह से आपको नजर नहीं आ रही होती है बेसिकली ये जो बोन्स है ये फ्यूज भी होती है यानी ये अटैच्ड है या फ्यूज है सेक्रम को देखें इट्स फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ इंटीरियर फाइव वर्टिब्रा तो ये इंटीरियरली तौर पे यानी आपके वर्टिबल कॉलम को अंदर से फ्यूज करती है अगर हम वर्टिबल कॉलम को बाहर से देखेंगे तो हमें ये पांच हड्डियां नजर आएंगी तो मैं जो आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ ये इसका इंटीरियर व्यू है फ्यूजन ऑफ एंटीरियर फाइव वर्टिब्रा अंदर से ये फ्यूज है अगर मैं बाहर से देखू तो इनको काउंट कर सकते हैं तो इंटीरियरली ये फाइव बोन फ्यूज है अब कॉक्सिक बोन जो है इसके भी आगे फर्दर चार हिस्से है अगर इसको अगेन जूम आउट किया जाए तो यहाँ पे सीवाई आपको ईजिली क्लियरली नजर आ रहा है सीवाई वन तो ये कॉक्सिक्स यूज कर रहे सी वाई टू सी वाई थ्री या सीवाई फोर तो ये चार बोन हमें नजर आ रही है जो कॉक्सिक्स है ये आपको पोस्टीरियरली तौर पे फ्यूज नजर आती हैं यानी अगर हम इनको एंटीरियरली देखें तो ये वहां से हम इन्हें काउंट डाउन कर लें इजीली तो ये जो पार्ट है बच्चे ये वाला पार्ट ये पार्ट जो है वो आपका सेक्रम बना रहा है और सेक्रम बोन्स को हम बड़े इजीली काउंट कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बोन्स नजर आ रही है तो नीचे वाला जो पार्ट ये वाला है वो क्या बना रहा है बेसिकली वो कॉक्सिक्स बनाएगा इस बो तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सैक्रम को फ्यूज ज़ूम करके देखते हो तो हमें नजर आता है कि सैक्रम जो है वो पोस्टीरियरली जो है हमें वो फ्यूज नहीं होती बल्कि वो एंटीरियरली यानी जो मेरा फ्रंट आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पे अगर हम इस साइड से देखेंगे अपने इस व्यू से देखेंगे तो हमें सैक्रम यहाँ से फ्यूज नजर आएंगी एरिया प्लेन नजर आएगा बाहर से जो है वो बम्प बने हुए नजर आएंगे क्योंकि वहां से वो फ्यूज नहीं होती तो आप यहाँ पे बैक साइड से वो फ्यूज नहीं है फ्रंट साइड से मैं देखेंगू तो उसका जो व्यू है वो फ्यूज नजर आएगा इसी तरह से जो लास्ट में है हम कॉक्सिक्स को देखें

थ्रेसिस में कितनी बोन्स है आपने बताने ट्वेल्व लंबर में कितनी है आपने बताने फाइव और आपके पहले सीजन में कितनी बोन्स है तो आपने बताना है बड़े आराम से ये नाइन है और उसके टू पार्ट है सेक्रम एंड कॉक सिक्स इसके अलावा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हाउ मेनी वर्टिब्रा आर प्रेजेंट इन योर वर्टिबल कॉलम तो सीधा सीधा इनको प्लस कर लें यानी आप सेवन है ट्वेल्व है फाइव है नाइन है प्लस करेंगे तो ट्वेल्व टोटल कितना बता है थर्टी थ्री तो तेतीस थर्टी थ्री वर्टिब्रा आपके टोटल वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट होती है इसके अलावा क्वेश्चन क्या आपको आ सकता है क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपकी जो वर्टेबल कॉलम है या आपकी जो सॉरी रिब्स हैं आपकी जो पसलियां रिब्स <skart> किस वर्टेबल कॉलम के पार्ट के साथ अटैच होती हैं तो बैक साइड से हम देखें तो रिब्स बेसिकली हमारे थोड़ा रीजन के साथ अटैच होती हैं अगर आप इसके यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू करें तो आप इजली देख सकते हैं कि जितना भी हमारा रेड पार्ट है वो हमारा क्या हिस्सा बना रहा है आ, वो हमारा थोड़ा रीजन बना रहा है तो रेड पार्ट के साथ हमारी रिब्स जो है वो अटैच हो रही है तो इस एरिया को बना रही है उसके अलावा हमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो हमारी वर्टिबल कॉलम है इसके अंदर कर्व्स किस वजह से होते हैं कर्व्स की क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस है अगर कर्व्स नहीं होते तो क्या होता तो जो हमारे वर्टिबल, वर्टिबल कॉलम के अंदर जो कर्व्स होते हैं इन कर्व्स का बेसिकली काम ये होता है कि हमारी बॉडी को फ्लेक्सीबिलिटी देना स्ट्रेंथ देना मूव करने में हेल्प आउट करना उसके अलावा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप सर्विकल रीजन के पहले दो वर्टिबला के नेम बताएं जो हमारे गर्दन में नेक में होते हैं तो उसका नाम है एटलस नंबर वन एंड एक्सिस नंबर टू एटलस और एक्सिस के बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए इसके अलावा आपके क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पेल्विस रीजन के अंदर जो बोन्स हैं उनके अंदर उनकी फ्यूजन किस तरह से है सैक्रम और कॉक्सिक्स के बारे में बताना चाहिए तो वो आपको बहुत इजी सा है कि आपने बताना है कि जो सैक्रम है वो हमारा एंटीरियरली फ्यूज होता है पोस्टीरियली वो नहीं हमें उसे काउंट कर सकते हैं तो जो हमारा कॉक्सिक्स है लास्ट बोन है वो हमारा पोस्टीरियली फ्यूज होता है ये था सारा हमारा लेक्चर जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है कि वर्टिबल कॉलम बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए और वर्टिबल कॉलम के ऊपर जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे तरीके से मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं एफ के स्टूडेंट्स हैं या जो भी जिस भी आप सिलेबस से आप रिलेट करते हो तो आप वर्टिबल कॉलम के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा उसमें हम रिब्स को डिस्कस करेंगे और जो मेरा लास्ट लेक्चर था वो भी आप जरूर देखना उसमें मैंने स्कल को फेशियल बोन को डिस्कस किया था उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में और अब जो मैं डिस्कस करने के किया है आज वो है वर्टेबल कॉलम और नेक्स्ट अपकमिंग जो मेरा लेक्चर होगा वी विल डिस्कस अबाउट द रिब्स रिब्स की क्या इंपॉर्टेंस है रिब की एज किससे है। कहते हैं नंबर ऑफ रिब्स कितनी होती है इनकी प्रेजेंस क्या होती है रिब्स के फंक्शंस क्या होते हैं रिब्स ना होती तो क्या होता रिब्स हैं तो क्या फंक्शंस प्ले कर रही हैं तो उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे अपनी लिम्स लिम्स की तरफ के ऊपर फोर लिम्स के ऊपर हिप बोन्स क्या होते हैं तो इस तरह से मेरा पूरा ह्यूमन स्केल्टन कवर हो जाएगा मैं इस सारी वीडियोस को जो भी रिलेट करती है स्केल्टन सिस्टम के साथ मैं इनको एक प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगी ताकि आप लोग वहां से रिलेटेड सारी वीडियो लेके पूरा का पूरा आप ह्यूमन स्केल्टन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और इनकी एक एक बोन का आपको नाम याद हो जाए तो इनशाला सी यू टूमोरो इन माई नेक्स्ट वीडियो